फिरंगी, आंखें खोलो ना, तुम्हारा प्रिंस तुम्हें आदेश देता है। देखे ना ये उठ नहीं रहे हैं। आप तो कहते थे ये अच्छे फिरंगी है, ये हमारा आदेश नहीं मानते। पिता दामोदर, वो आपका आदेश मानेंगे, अभी वो बहुत घायल है ना, उन्हें विश्राम की आवश्यकता है। जब ये ठीक हो जाएंगे तब पहले की तरह आपके सारे आदेश मानेंगे। Queen of Jhansi, Jhansi ki jai। Ali sahab, aap mat uthiye। Dekhiye to irony, aapne mujhe us waqt bachaye jab mere apne hi mere jaan lena chahte the, aur yahi nahi apne ek ordinary British officer ki jaan bachane ke liye अपने फोर्ट को छोड़ दिया। हमने केवल अपने धर्म और संस्कार का पालन किया है, हम ये कैसे भूल सकते हैं कि आपने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के अपहरण नीति के विरुद्ध जाकर कितनी बार राजसी परिवार की सहायता की है। अली साहब, आप विश्राम कीजिए, वैजी इन्हें ठीक होने में कितना समय लगेगा। महारानी साहिब, इन्हें बहुत यातनाएं दी गई हैं, हमने औषधि दे दी है, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होगा इन्हें। देखा ताते गुरु, नेल्सन की घृणित मानसिकता जो अपनों पर भी ऐसा अत्याचार कर सकती है, विश्वास ही नहीं होता। हाँ भाई साहब, विश्वास तो मुझे भी नहीं होता, क्षमा कीजिएगा भाई साहब, किंतु हमारे लिए महत्व किले का। ताते गुरु, सौगंध है हमें इस धरती माँ की, हम अपना किला तो इन फिरंगियों से मुक्त करा ही लेंगे, परंतु हमने जो एलिस की सहायता की है उससे क्रोधित होकर ये कि नेल्सन उसकी हत्या कर देता तो क्या आपके शिष्य इस कलंक के साथ जी पाते। हमसे क्रोधित है ताते गुरु? नहीं भाई साहब, आपसे क्रोधित होने का विचार तो दूर, स्वप्न भी नहीं देख सकता तात्या। और सत्य कहूं तो जीवन में पहली बार तात्या इतना हताश हुआ है। किंतु भाई साहब, आपने जो निर्णय लिया है वो धर्म और संस्कार के अनुरूप है, परंतु भाई साहब, इन फिरंगियों पर मुझे तनिक भी विश्वास नहीं है। इन्होंने हम हिंदुस्तानियों पर जो अत्याचार किए हैं, यदि मेरा बस चले तो इस धरती से सदा सदा के लिए इनका मूल भी नष्ट कर दो। हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं ताते गुरु, परंतु इन क्रूर निर्दयी अत्याचारियों के कारण हम अपने संस्कार कैसे भूल जाएं? यदि कुछ अंग्रेज मिलकर हम पर अत्याचार करके हम पर क्रूर शासक करना चाहते हैं तो हम अंग्रेजों की पूरी जाति से नफरत नहीं कर सकते, इसमें उनका क्या दोष? जैसी सोच आपकी है, यदि पूरे संसार की हो जाए तो कभी रक्तपात ही नहीं होगा, और ये फिरंगी, इन्हें केवल रक्तपात और अत्याचार के अलावा कुछ भी नहीं आता। कैप्टन डनलैप,
You might have heard of what has happened at the Jhansi? Yes, sir. Queen of Jhansi, Lakshmibai, ne Jhansi ko British army se ladkar chheen liya. Aur wo ab Jhansi fort par attack karne wali hai. That's why Nelson ne hume message bheja hai. They need reinforcements. So a huge British battalion, Beji John. But sir, hamare soldiers to Bundelkhand ke surrounding areas mein deployed hai. Agar unhe wahan se hata gaya, to... I don't care. Call all of them. Or Tumbara Battalion, Laker immediately, Jhansi Jao. Lakshmi Bai Fort, Lena Chahati hai. Or hum whole Jhansi capture Karna Chahati hai. Hum shighri apne kile ko wapas lekar झांसी को पूर्ण रूप से अंग्रेजों से मुक्त करा लेंगे। इस समय हमारे किले में ब्रिटिश सेना बहुत कम है और यही समय है उन पर आक्रमण करने का। हाँ भाई साहब, रॉस खान भी सेना और तोपों के साथ यहाँ पहुंचने वाला है। उसके बाद सैन्य शक्ति की दृष्टि से हम अधिक मजबूत होंगे और विजय केवल हमारी होगी। चला नहीं जाता। कौन बोला? किसने बोला? ऐसे नाजुक और कमजोर सैनिकों की जरूरत नहीं है झांसी को। चले जाओ वापस। खान जी, 10 मील से पैदल आ रहा हूँ। खामोश! एक औरत अपनी झांसी के लिए अपने महलों के आराम हराम करके दिन रात झांसी के लिए लड़ रही है और तुम्हारे लिए 4 कोस चलना मुहाल हो रहा है। चलो। Look, sir. Governor General का message आ गया। British Army Jhansi के लिए निकल चुके हैं। Let them come. इस बार फिर से हम Jhansi City को conquer कर देंगे। Now what do you think, sir? हम अपनी army के आने तक wait करते रहे। हम अपनी सेना के आने तक उनकी प्रतीक्षा नहीं कर सकते। उससे पहले ये फिरंगी कोई चाल चले, हमें अचानक उन पर आक्रमण कर देना है और यही उचित समय है। परंतु महारानी साहिबा, हमारे पास उतने सैनिक नहीं है कि हम उन पर आक्रमण कर सकें। रघुनाथ जी, हमारे पास सेना अवश्य कम है परंतु युद्ध हौसले और साहस से लड़े जाते हैं। इन अंग्रेजों की आधी से अधिक सेना हम अपने हाथों से मार चुके हैं। इस समय उनका मनोबल टूटा हुआ है और हमारे अचानक आक्रमण करने से वो पीछे हटने के लिए विवश हो जाएंगे और फिर हम अपने किले पर वापस अधिकार कर लेंगे। किले में हमारे कुछ सैनिक बंदी भी हैं। हम जल्दी ही झांसी सिटी को टेक ओवर कर लेंगे। बस हमें किसी तरह सिटी में एंटर होकर चारों ओर फैल जाना होगा। लक्ष्मी माई की सो कॉल्ड आर्मी को चारों तरफ से घेर कर खत्म कर देंगे। उसके बाद जैसे ही कैप्टन डनलॉप ब्रिटिश बटालियन लेकर पहुंचेगा, उस वक्त तक झांसी की रानी की आर्मी आधी से ज्यादा हम खुद ही खत्म कर चुके होंगे। बस हमें ये देखना है कि हमारे इन्फेंट्री के सोल्जर्स उनकी जानकारी के बिना झांसी में एंटर कैसे। एक बार अगर ये हो गया तो झांसी हमारी। हमें किले में इस प्रकार प्रवेश करना है कि किसी को कुछ पता ना चले। एक बार हम प्रवेश कर गए तो इन अंग्रेजों को बाहर निकालना आसान हो जाएगा।
महारानी साहिबा, जीवन और मरण का प्रश्न है, इसीलिए ध्यान पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है कि बिना आहत हुए किस युक्ति से किले में प्रवेश किया जाए। महारानी साहब, हम किले में जाने वाली रसद के साथ अंदर प्रवेश कर सकते हैं? नहीं प्रधानमंत्री जी, इस बार हम ऐसे प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि पिछली बार ऐसे प्रवेश करते हुए हैमिल्टन ने हमें देख लिया था। भाई साहब, क्यों ना एक बार फिर हम गेहूं के बोरों में छिप कर प्रवेश करें? सत्या जी, गेहूं के बोरों में छिप कर जाने से सैनिकों के दम घुटने की आशंका रहती है। हमें कुछ समय दीजिए, हम सोचकर बताते हैं। भाई साहब, देखिए ना हमें। ये क्या किया आपने? वो कुछ लड़के अपनी छड़ी से तलवारबाजी कर रहे थे और मैं कीचड़ में गिर गया। हमारी तलवार महल में है ना, इस समय पास होती तो हम उसे हरा देते। आपकी तलवार बहुत जल्द आपके पास होगी, हम शीघ्र ही अपने महल में होंगे बेटा। आई साहब, हमें कहानी सुनाइए ना। कहानी सुननी है आपको? हाँ, अच्छी कहानी। अच्छा ठीक है, हम आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाते हैं, एक साधारण सी कन्या की कहानी। रुको बेटे, बेटे। ए देवा, क्या होगा इसका? संभालिए दादा गुरु। कौन है ये अद्भुत कन्या जिसका एक हाथ चूड़ियों से भरा है और दूसरे हाथ में भाला है? आपकी पुत्री के भाग्य में राजयोग है, अरे वो रानी बनेगी, रानी। सचमुच सचमुच उस कन्या का विवाह एक बड़े से राज्य के महाराजा के साथ हो गया। पंडित जी, काट जरा कस कर बांधिएगा। परंतु महाराज काट खोलकर चले गए। महारानी अकेली हो गई। ये तो आप हमारे बाबा साहब की कहानी सुना रही है। पता है, आपके बाबा एक महान शासक थे और हम सबसे बहुत प्रेम करते थे। वाह, बिल्कुल हमारे जैसा लगता है हमारा युवराज। फिर वो हमें छोड़कर चले क्यों गए? जो लोग बहुत अच्छे होते हैं ना बेटा,
भगवान उन्हें अपने पास बुला लेते हैं, परंतु वो सदैव हम सबके हृदय में रहेंगे। गंगाधर, तेरा राज की सदा चलता रहे। भारत गंगाधर राव की जय। 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 Well, well, this must be Maharani Sahib's chamber. Sarangi's in your bedroom, my Rani Sahib. Ab kya karegi? हाँ बेटा, क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, बस ऐसे। अच्छा ये बताए, तुम्हारे बाबा कैसे राजा थे? आपके बाबा बहुत अच्छे राजा थे, पता है? प्रजा उनका गुणगान किया करती थी। जब वो बाहर निकलते थे तो सब लोग उनकी जय जयकार लगाते थे। पता है दामोदर, हम लोग कभी कभी भेस बदल कर मेले में घूमने चले जाते थे। और हमारी प्रजा हमें पहचान भी नहीं पाती थी। अरे बा भैया, खाए का खा लिए और बिना पैसा दिए जा रहे हो? यदि हमें कुछ भी हो जाता था तो महाराज तड़प उठते थे। लक्ष्मी, जाओ कोई राजवाद कुमरा। आपके बाबा साहेब कुशल राजा होने के साथ साथ कला के भी पारखी थे। रानी लक्ष्मी बाई की जय। इन फिरंगियों के साथ साथ महाराज के अपने भी उनके विरुद्ध षड्यंत्र में लिप्त रहा करते थे। अमर सिंह जैसे राजभक्त पर झूठे आरोप लगाए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ब्रिटिश ऑफिसर का खून किया गया था। किसने की इनकी हत्या? डकॉइट समर सिंह। महाराज को उनके खिलाफ भड़काया गया। आरोपी समर सिंह पर आरोप है कि झांसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में लूटमार और डाके डाला करता था, महाराज की हत्या का भी प्रयास किया था। हमने निश्चय कर लिया था कि हम समर सिंह को किसी भी हाल में दंडित होने से बचाएंगे। तो आप महल से बाहर कैसे निकले? हम रसोई में बने गुप्त रास्ते से महल के बाहर जाया करते थे। सर, ये तो कोई गुरुद्वार का रास्ता लगता है। हमें अंदर जाने का मार्ग मिल गया।